सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्षी. आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, राइट? वो कंफ्यूजन क्या है, दैट क्या मैं गैप ईयर लूँ या फिर MBA के लिए 2024 में एडमिशन ले लूँ, और क्यों आपको गैप लेना चाहिए, क्यों आपको गैप नहीं लेना चाहिए. बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है. एंड देयर आई वांट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, RAT दिया है या फिर कोई entrance exam नहीं दिया, आपका percentile अच्छा नहीं है and आप उस कम percentile पे भी एक अच्छे college को target करना चाहते हैं and आप जानना चाहते हैं जो colleges आपने देखे हैं उनकी reality check क्या है, तो उसके लिए नीचे एक profile analysis form दिया है, WhatsApp के लिए number दिया है, calling के लिए number दिया है, जिस पे आप reach out करके ये details ले सकते हैं और अपनी profile के हिसाब से एक dream कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड वी विल स्टार्ट दिस एपिसोड विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मेंटल रेडीनेस. अब व्हाट इज मेंटल रेडीनेस? यूजुअली आपने एक चीज सुनी होगी, आपकी बॉडी जो पूरी तरीके से ऑपरेट कर रही होती है, भले वो आपके हैंड गेस्चर्स हो या फिर पोस्चर्स हो, द वे यू आर टॉकिंग, आपको इट्स एवरीथिंग इज बीइंग ऑपरेटेड बाय योर ब्रेन, राइट? सो अगर आपने मेंटली ये डिसाइड कर लिया है दैट आपको ड्रॉप लेना है and you're pretty sure that you know I'll be able to score it, you know aap bahut confident ho, unless and until aap that us situation mein nahi ho jahan pe aap confused ho, to us case mein mujhe lagta hai that you should take a drop. So simple si cheez hai, consider that you're mentally prepared for the rigorous preparation required for CAT examination because you just have 7-8 months. Yesterday main IIT Kanpur ke student ka interview le rahi thi, he scored 90+% and usne apne MBA mein admission liya right after his graduation. So apne हर स्टूडेंट के अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, राइट? एंड उन परसेप्शन में सिंपल सी चीज़ है दैट व्हाट डू एग्जैक्टली वांट. जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 50% है, 60% है, अब वो सोचते हैं लेट्स टेक अ ड्रॉप. ड्रॉप लेने के बाद अगर आपका 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, इट रियली डजंट मेक सेंस. सो रेडीनेस किस चीज़ के लिए, कि नहीं मैं इन एनी केस, बिकॉज लास्ट ईयर अगर मैं बहुत सारे कॉलेजेस के कट ऑफ की बात करूँ तो 93-94+% कट ऑफ था. जैसे प्रीवियसली जो बेबी आए हैं स्कैप के कॉल्स भी आते थे वो 92 पे कॉल्स आ जाते थे, लास्ट ईयर वाज 94%, राइट? तो सिंपल सी चीज़ है कि क्या आप मेंटली रेडी हो कि आप उतना परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे. अगर येस है सो डोंट थिंक मच, डोंट वॉच एनी वीडियो, डोंट Listen to anybody, just go for a drop. Second thing, self-discipline, inner motivation, or tuition. मतलब, I think आप ही हो जो आपको स्कोर करा सकता है और आप ही हो जो आपका you know बंटाधार लगा सकता है, क्योंकि it's all you, you know. अगर आप serious हो, disciplined हो, आप time table follow कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें. I'll give you small example here also. I have this one of my employees. He worked with me for almost 2.5 years. स्टूडेंट की काउंसलिंग करते करते ही थॉट दैट मुझे भी अपना MBA करना चाहिए. ही टुक अ ड्रॉप फ्रॉम जॉब, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट. उसने कैट 2023 दिया, बट हिज परसेंटाइल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं तो बहुत स्कोर कर लूंगा, बट 2023 में जो है ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर इट, राइट? सेकेंडली नाउ ही विल बी अपेयरिंग फॉर कैट 2024. तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम इमोशनल, मतलब सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, फिक्स शेड्यूल, टाइम टेबल, सब चीज फॉलो करना है, बिकॉज MBA इज नॉट ओनली अबाउट कि ठीक है आपने कैट में स्कोर कर लिया एंड यू विल बी एबल टू मेक इट. आपका गैप है, आपने प्लेन गैप लिया है, आप दोबारा गैप ले रहे हो, आपका अकेडमिक्स है, बहुत सारी चीज़ें ऑल इन ऑल कंसिडर की जाती है. तो स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट फॉर स्कूल एंड कॉलेज समथिंग इज समथिंग यू रियली नीड टू वर्क ऑन. वेदर यू कैन हैंडल द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये प्रेशर होता है. एंड मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज में ये कहती थी, बिकॉज आई गेव माई एग्जाम्स वे बैक, स्पेशली मेरा जेई का एग्जाम, तो उस टाइम पे मैं भी बहुत नर्वस रहती थी. तो मुझे लगा, मैं जब वीडियोस बनाती थी तो आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है नर्वस नहीं होना है, अपना 100% देना है. पर आई विल बी ऑनेस्ट, अभी रिसेंटली मैं अपने टेडएक्स पे गई एंड उससे पहले मैं खुद बहुत नर्वस थी, तब कि मेरा काम दिन भर वीडियो बनाने का है एंड आई वाज लाइक कि कैसे होगा, क्या होगा, व्हाट शुड आई स्पीक, 14 मिनट का टाइम है एंड आई कैन अंडरस्टैंड. पर ये जो इससे ऊपर निकल जाता है, they are able to make it. So you should have their have that capacity ki aap us fear ko handle kar sako ki yaar ki main miss out ho jaunga while peers progress in their careers or education during your gap year. Purpose of the gap year, analyze what you want from the gap year, right? If you are refining hard to balance CAT preparation with college or work or gap year, offer you the time and focus needed. Dekho main personally suggest karti hu sirf, मतलब विदाउट किसी चीज़ के गैप मत लो.
क्योंकि इसमें इस केस में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट के परसेंटाइल नहीं आए तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है. डू इंटर्नशिप अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, डू सम सर्टिफिकेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ जिसको आप यू नो इंटरव्यू के टाइम पर बोल पाओ, क्योंकि उस पॉइंट पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिल करेंगे. However, if you're facing conceptual hurdles, simply taking gap year might not be enough. Identify the main issues, committed to the blah blah blah. These all are things which are said by students. But मुझे simple सी चीज़ ये लगती है, gap लेने के लिए you have to be like, पीछे मेरी content team हंस रही है तो मैम what did she say? I mean it's like जब आप daily basis पर video बनाने लगते हो तो आप इतने ज़्यादा confident हो जाते हो, मतलब कि आपको लगता है यार जैसे आप अपने staff से बात कर रहे हो, अपने friends से बात कर रहे हो, उसी same situation मेरे साथ भी है. मेरी वीडियोस बिल्कुल भी एडिट नहीं होती. इट्स लाइक ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बी. सो नाउ द थिंग इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ द गैप ईयर. आई मीन आई हैव दिस माई कलीग एंड ही ऑलवेज से दैट यू नो प्लीज रीड दिस बुक स्टार्ट विद वाई, राइट? एंड वाई स्टार्ट विद वाई बिकॉज अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, यू नो जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इतने साल विदाउट फंडिंग विदाउट मनी इसलिए रिटेन कर पाए बिकॉज मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मुझे क्यों करना है. सिंपल सी चीज़ है. तो आपका भी राइट वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप गैप ईयर क्यों ले रहे हो, बिकॉज अगर आप उसको लेके बहुत फिक्स्ड हो तो आप उस गैप ईयर से मैक्सिमाइज कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है दैट आपको पढ़ना है, आपको हर चीज़ को टाइम देना है, सारे वीक सेक्शंस पे काम करना है, स्ट्रांग सेक्शंस पे काम करना है, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं दैट इनरोल कोर्सेज में, इंटर्नशिप, वर्कशॉप्स, ये भी आपकी स्किल्स को इन्हांस करेंगे. बट ऑल इन ऑल इट्स लाइक प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ. सोचो, एक क्वेश्चन पूछो कि मैं कितना परसेंटाइल स्कोर कर पाऊँगा. इफ़ यू आर 10,000% श्योर, मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलती हूँ, बिलीव मी और नॉट, वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उनकी प्रोफाइल, उनकी बात करने के तरीके से मैं बोलती हूँ यू शुड टेक अ ड्रॉप, यू शुड नॉट टेक अ कॉलेज. बट कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है दे आर वेरी डाइसी and might be they'll be able to score or not. तो उस केस में अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं उतना परसेंटाइल 94-95 प्लस जा सकता हूँ, गो फॉर इट. डोंट थिंक मच. फाइनेंशियल कंसिडरेशन, कोचिंग फीस, एप्लीकेशन कॉस्ट, आपका एक साल जाएगा, सारी चीज़ें. एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव्स, जॉब से बेटर कुछ नहीं है जॉब के साथ प्रिपरेशन करना. बट जॉब के साथ कई लोगों के लिए मुश्किल होता है बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर जॉब कर लेंगे तो फिर टाइम ही कम बचेगा, एंड सुबह 10 से 6 जॉब करके आप जा रहे हो, देन यू आर ऑलरेडी टायर्ड. पर अगर आप जॉब नहीं भी कर पा रहे हो, जॉब के साथ करोगे, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक ऑन बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है, विच एड ऑन एडवांटेज रहेगा. बट इफ नॉट जॉब, डू समथिंग जो कि अदर देन योर प्रिपरेशन हो और आप उसको जस्टिफाई कर सको. सो आई थिंक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑल इन ऑल दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. फाइनलाइज, एनालाइज, नीड एनी हेल्प, फील फ्री टू रीच आउट. डू लेट मी नो व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दिस वीडियो. आई थिंक आफ्टर ऑल दिस चिट चैट, एंड लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.